उत्तराखंड के कालाढूंगी में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 13 छात्राओं समेत 15 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कोटाबाग में 13 छात्राओं समेत 15 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसकी वजह से कोटाबाग क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। कुछ दिन पहले 4 शिक्षिकाओं की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी और वहीं शिक्षिकाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कोटाबाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के 162 छात्राओं और शिक्षिकाओं के सैंपल लिए थे, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद 13 छात्रा, 2 शिक्षिकाओं समेत 15 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। और वहीं इस मामले में कोटाबाग चिकित्सा प्रभारी देवेश चौहान का कहना है कि सभी को होम आइसोलेट किया गया है। अभी जीबीआईसी कोटाबाग में 4 टीचर पॉजिटिव आई थी, जिसमें 3 हल्द्वानी है, 1 काशीपुर है। तो प्रिंसिपल द्वारा हमें सूचना मिली कि ऐसे ऐसे पॉजिटिव आए, फिर हमने स्कूल में जाकर सैंपलिंग की। 162 संख्या थी उस दिन टीचर और स्टाफ सब मिला के, और जो 162 में से अभी 15 पॉजिटिव आए, 3 बच्चियाँ हैं, 2 टीचर हैं, सभी को होम आइसोलेट कर दिया गया है, मेडिकल किट दे दी गई है। मेडिसिन तो 13 छात्राओं समेत 15 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये मामला पहला नहीं, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया इसकी वजह से, क्योंकि इंटर कॉलेज के अंदर छात्राओं का कोरोना पॉजिटिव पाया जाना मतलब सभी बच्चों को, सभी छात्र छात्राओं को इस समय खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है। कोरोना विस्फोट राजकीय बालिका कॉलेज में हुआ है, आगे के लिए टेंशन और बढ़ जाती है, चिंता और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि देश भर में मामले कोरोना के लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। कोरोना केसेस की संख्या उत्तराखंड में भी कम होने का नाम नहीं ले रही है, चाहे वो संक्रमितों का आंकड़ा हो या फिर मौत का आंकड़ा। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।